नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय अमृत। इंसान कम प्रेमी ज्यादा। और आज के समय में जब संवेदनाएं मरती जा रही हैं, उस समय में एक गीत मैं प्रस्तुत करता हूं। गीत है सुने के, संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहाँ। संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहाँ। पिछले दिनों की बात है, एक लेखिका है मेरे परिचय में, रेणु जुनेजा जी, उन्होंने एक पोस्ट किया था अपने फेसबुक पेज पर कि वो किसी के उठावने में गई, कहीं बाहर थी, वो बाहर से आई और उन्हें पता चला कि पड़ोस में 3-4 घर छोड़कर मिस्टर शर्मा नहीं रहे। उन्होंने पेपर देखा, पेपर में उठावने का टाइम देखा उन्होंने, तो पता चला कि उसमें तो कोई टाइम दिया नहीं था। फिर उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि वो जिस तारीख को शांत हुए थे उनका बेटा यूएस में था, उस समय अमेरिका में था, तो वो 2 दिन बाद आया, तो इसलिए उन्होंने अंत्येष्टि की और उसके अगले दिन ही उठावने का कार्यक्रम रख लिया, इसलिए पेपर में उठावने का कोई कार्यक्रम नहीं दिया गया था। और उन्होंने सोचा कि जब ऐसा है मैं ऐसे मिलने चली जाती हूँ और जो आंटी है उनके हाल समाचार लेकर आ जाती हूँ। तो उन्होंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खटखटाया तो उनकी बहू या बेटी कोई बाहर आई और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने रेणु जी ने कहा कि मिसेस शर्मा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा पहले तो आप अंदर आइए और आप कहीं कुछ गलत फहमी में हैं, क्योंकि मिसेस शर्मा की जिनकी आप बात कर रही हैं, हमारी माता जी की, वो तो रही नहीं। और तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना कि आपके पिताजी नहीं रहे। बोले वो देखिए पिताजी तो आराम से लेटे हुए हैं, वो बेड रिडन हैं, तो वो तो बेड पर लेटे हुए हैं और माताजी चली गई हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या बात है, ऐसी संवेदनाएं मर गई कि हमको ये तक ध्यान नहीं है कि हम किसके उठावने में गए हैं, मिस्टर शर्मा के या मिसेस शर्मा के। एक और वाकया वो बताती हैं कि जयपुर क्लब ने कोई उठावने का कार्यक्रम रखा तो उसमें पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए सब कुछ क्रियाकर्म कर रहे हैं। घंटे भर से वो बातें बता रहे हैं कि माता जी नहीं रही और बहुत भरा पूरा एक परिवार छोड़ गई हैं, बहुत बुरा हुआ है परिवार के साथ में, माता जी नहीं रही हैं, और फिर वो माता पिता का सम्मान करने वगैरह सब बातें करने लगते हैं। और जब शोक संदेश पढ़ने की बारी आती है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पंडित जी सबसे पहले पहुंचते हैं, उनके हाथ में एक पर्ची दी जाती है कि आपको ये शोक संदेश पढ़ना है, तो शोक संदेश में माताजी के देहांत के बजाय पिताजी के देहांत की बात कर जाते हैं, पिताजी के देहांत की बात कर जाते हैं, और उसके बाद जो लोग आते हैं वो भी पिताजी को श्रद्धांजलि दे जाते हैं। किसी को ये ध्यान नहीं कि पिछले 1 घंटे से क्या कथा चल रही थी, माताजी को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, वहां पिताजी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, मतलब सब कुछ मैकेनिकल हो गया है, कुछ भी ध्यान नहीं है किसी को, सब कुछ ऐसा हो गया है, संवेदनाएं इतनी मर गई हैं। तब मैं कहता हूं ये गीत जो लिखा है मैंने, और ये गीत की भी अलग कहानी है, सुने के, संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहां। बंद सुने, बेर जब से पला हो गया फासला, भेद मन के हुए आई कैसी बला, भेद मन के हुए आई कैसी बला, रास्ता मोड़ कर राबता तोड़ कर, रास्ता मोड़ कर राबता तोड़ कर, जाने क्यों जा रहे साथ सब छोड़ कर, सब भावनाएं शून्य होती जा रही जाने ये कैसी रीत निकली है यहाँ, सब भावनाएं शून्य होती जा रही जाने ये कैसी रीत निकली है यहाँ। दोस्तों मैं बता रहा था कि ये गीत की भी कुछ अलग कहानी है जो मैंने लिखा था। मैं बेंगलुरु में पिन क्लिक में काम करता था, उस समय ऑफिस में मैं, मेरे मैनेजर सचिन गोस्वामी जी बैठे थे और मैनेजर थे कौशिक चौधरी जी, हम तीनों बैठे थे, तो वो कहने लगे कि यार अक्षय तू जब भी बात करता है
तो या तो पूरी अंग्रेजी में करता है या पूरी हिंदी में करता है, ऐसा क्यों होता है? हम लोग तो मिक्सअप कर देते हैं, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, तू कैसे ऐसा कर लेता है? मैंने कहा जब भाषा मन की हो तो पूरी भाषा एक ही तरह से बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, पूरी बात एक ही भाषा में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं पूरी बात हिंदी में कह सकता हूँ, पूरी बात अंग्रेजी में कह सकता हूँ मैं। तब फिर उन्होंने कहा कि ये मन की भाषा वाली बात हमें समझ में आई, तेरी अच्छी लगी, इस पर एक गीत लिखना। तो मैंने उस पर ये गीत लिखा है, ये मन की भाषा कैसे बदली है। सुने के संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहाँ, संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहाँ। बंधे जिसकी की ख्वाहिशें उसने की साजिशें, जिसकी की ख्वाहिशें उसने की साजिशें, हो गई फिर विफल सबकी सब कोशिशें, सब कोशिशें विफल हो गई कुछ अच्छा करने की, साजिश कहता है। जिसने की जिसकी की ख्वाहिशें उसने की साजिशें, हो गई फिर विफल सबकी सब कोशिशें, तन्हा चलते रहे दिन यूं ढलते रहे, तन्हा चलते रहे दिन यूं ढलते रहे, गिरते गिरते हुए हम संभलते रहे। सब कामनाएं रिक्त होती जा रही हाथों से जब से रेत फिसली है यहाँ, संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहाँ। अंतिम बंद है। क्रोध मन में बढ़ा तेज पारा चढ़ा, वक्त के खेल ने पाप ऐसा गढ़ा, शांति गुम हो गई प्रेम धुन खो गई, पाई जो संपदा हाथ से वो गई, उत्तेजनाएं उग्र होती जा रही, उत्तेजनाएं उग्र होती जा रही, यह चेहरा दुनिया का असली है यहाँ, यह चेहरा दुनिया का असली है यहाँ, संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहाँ, संवेदनाएं खत्म होती जा रही जब से ये भाषा मन की बदली है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।